नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सरकारी नौकरी login.com आपके पास फिर लेकर आई है एक और रिक्रूटमेंट की सूचना, IBPS रिक्रूटमेंट 2018। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि इस बार आपको इनवाइट कर रही है, उसके 7275 क्लरिकल कैडर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रदान करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें कौन सी पोस्ट खाली हैं और कितने पोस्ट खाली हैं, उनके सैलरीज कितने हैं। तो पहला पोस्ट है क्लर्क यानी कि क्लरिकल कैडर के लिए, जिसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा 10th of October 2018। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7205 यानी कि 7275। पे स्केल यानी कि सैलरी इसका है 7200 से लेकर 19300 रुपये तक। और इसका क्वालिफिकेशन यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो होगी ग्रेजुएट। आपको एक ग्रेजुएट होने से ही इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया यानी कि भारत में कहीं पर भी। आगे बढ़ते हुए सेकंड पोस्ट नेम है प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसकी लास्ट डेट थी 4 सितंबर 2018। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 4102 पोस्ट खाली है यानी कि 4102। और इसका पे स्केल या फिर सैलरी है 14500 से लेकर 25700 रुपये तक। बेसिक क्वालिफिकेशंस जो आपको इसके लिए एलिजिबल करवाती है वो है आप ग्रेजुएट होने पड़ेंगे और आपकी एज लिमिट है 20 से 30 साल तक। IBPS जॉब लोकेशन इस पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया यानी कि भारत में कहीं भी। आगे बढ़ते हुए तीसरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड असिस्टेंट ऑफिसर इन मल्टीपर्पज। इसकी लास्ट डेट थी 2 जुलाई 2018। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए खाली है वो है 10190 पोस्ट। और इसका पे स्केल या फिर जो सैलरी बोलते हैं वो 7200 से लेकर 19300 या फिर 19400 से लेकर 28100। क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री इन CA और MBA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल या फिर 21 से 32 साल के उम्र तक अगर आप हुए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी अभी IBPS जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया यानी कि इंडिया में कहीं पर भी। आगे बढ़ते हुए अगली पोस्ट की तरफ, इस पोस्ट का नाम है हेड यानी कि हेड पोस्ट का जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी वो है 31st January 2018। और नंबर ऑफ़ IBPS वैकेंसी है 1 यानी कि एक केवल एकमात्र। इसकी पे स्केल या सैलरी जो आप बोलते हैं वो है 1,20,000 पर महीना। और आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन आपका जो साल मतलब जो आपकी एज लिमिट होगी वो होगी 61 साल यानी कि 61 ईयर्स। आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पोस्ट है वो है पोस्ट नेम रिसर्च एसोसिएट, जिसकी 2 पोस्ट ही खाली है इस बार। और पे स्केल आपका 8,81,000 पर एनम यानी कि एक साल में आपको 8,81,000 रुपया मिलेगा। और क्वालिफिकेशन आपकी MTech, MCA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने पड़ेंगे। एज लिमिट आपका 21 से 30 साल और आपकी जॉब लोकेशन होगी मुंबई या फिर महाराष्ट्र। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी 16 जनवरी 2018। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट नेम है क्लर्क, इसके लिए पोस्ट जो खाली है वो है 7875 यानी कि 7875। और इसकी लास्ट डेट थी 3 अक्टूबर 2017 और इसकी पे 2017। और इसकी पे स्केल या कोई भी बताई नहीं गई है। इसकी क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएट होने पड़ेंगे और एज लिमिट 20 से 28 साल। आपकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया यानी कि भारत में कहीं पर भी। आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट के तरफ, वो है पोस्ट नेम ऑफिसर्स यानी कि स्केल 1, 2, 3 और असिस्टेंट ऑफिसर इन मल्टीपर्पज। तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 14 अगस्त 2017 की। और इस बार इसमें 1527 पोस्ट खाली है, जिसकी पे स्केल 7200 से लेकर 19300 तक या फिर 14500 से लेकर 25700 तक या फिर 19400 से लेकर 28100 रुपये तक है। इस जो रिक्रूटमेंट्स है CWE
6 रिक्रूटमेंट, इसमें 15,332 पोस्ट खाली थे, जिसमें कि ऑफिसर्स ऑफ स्केल 1, 2, 3 एंड असिस्टेंट ऑफिसर मल्टीपर्पज की वैकेंसी इंक्लूडेड थी। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या फिर बीटेक या फिर बीएससी या फिर सीए होने चाहिए, और आपकी एज लिमिट जो होगी वो 18 से 28 साल या फिर 30 साल या फिर 21 से 32 साल या फिर 40 साल। आपकी जो जॉब लोकेशन है वो है ऑल इंडिया या फिर भारतवर्ष, आपकी जॉब की कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। अगले पोस्ट की तरफ चलते हैं, वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसके रिक्रूटमेंट में 3,562 पोस्ट खाली हैं जो, और इसकी पे स्केल या फिर सैलरी कोई भी बताई नहीं गई है। आपकी क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएट होने पड़ेंगे और आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल का। IBPS जॉब लोकेशन, इस पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया यानी कि भारत में हर जगह पे यहाँ की पोस्टिंग हो सकती है। उसके अगले पोस्ट पे चलते हैं, जो कि है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स, जिसके लिए 1,315 पोस्ट खाली हैं और उसकी पे स्केल भी बताई नहीं गई है यानी कि नॉट स्पेसिफाइड। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बीटेक, एलएलबी, बीएससी, एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने पड़ेंगे और आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल के अंदर होना चाहिए। आपकी आईबीपीएस जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया यानी कि इंडिया की कोई भी जगह पर पोस्टिंग आपकी हो सकती है। पोस्ट नेम, अगली पोस्ट है आपकी फिर से ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट इन मल्टीपर्पज। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो खाली है वो है 16,615 और आपकी पे स्केल 7,200 से लेकर 19,300, 14,500 से लेकर 25,700 और 19,400 से लेकर 28,100 रुपये तक है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, बीटेक, बीएससी या फिर सीए आपको होने पड़ेंगे और आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल और 30 साल, 21 से 32 साल या 40 साल। आपकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। तो ये थी आपकी जॉब्स की सारी सूचनाएं। हर पोस्ट के नीचे एक क्लिक हियर फॉर अदर डिटेल्स दिया गया है, जो कि उस रिक्रूटमेंट और उस पोस्ट की सारी जानकारियां आपको उपलब्ध करवा सकती हैं। तो अगर आपको उस पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो आप उस लिंक पर जा सकते हैं, जिसकी डायरेक्ट लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आशा करते हैं इस वीडियो ने आपकी सारी रिक्रूटमेंट के बारे में सूचना आपको क्लियर कर दी है, आप बहुत ही ज़्यादा मददगार रही है आपके लिए इस वीडियो की। फिर भी अगर आपका कोई संदेह या कोई डाउट है तो हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।